आप सरयू तट के किनारे, यमुना तट के किनारे या गंगा तट के किनारे आप कहीं भी चले जाइए, जो घाट हैं, घाटों में पंडित, पुरोहित, ज्योतिषाचार्य आपको मिल जाएंगे। सरयू तट पर भी यहाँ पर देखिए, घाटों को इस तरीके से आपस में बांट लिया गया है कि ये यहाँ पर ये बैठते हैं, फिर दूसरी जगह कोई दूसरा पुरोहित या पंडित बैठता है। लेकिन एक यूनिक चीज़ जो यहाँ मुझे नज़र आ रही है, इसमें नाम के साथ साथ देखिए यहाँ पर ये दो बैल का झंडा, दो बैल का झंडा है, और उधर आप देखिए तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा दो गुब्बारे का झंडा, फिर उस तरफ आप जाइएगा तो दो गिलास का झंडा। तो ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब। ये नाम तो आपको कहीं भी, आप बनारस में भी चल जाइए वहाँ मिल जाता है, ये झंडा, ये गिलास गुब्बारे का झंडा, ये क्या क्या है? ये यहाँ का पहचान है मेन यात्री को बनाने के लिए, अपना पूर्वज। हम लोगों का कोई रोजी रोटी नहीं, हम लोग पुरोहित ब्राह्मण है यहाँ पर। तो जो क्या वो जो नाम लिखे हुए रामचरित पांडे, आपको राम आपको नाम से नहीं जानते? नाम से वो नहीं आएंगे, तो क्या झंडा से जानते हैं? झंडा उनको पहचान चाहिए। अच्छा। यात्री आते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी आप अपना पहचान दीजिए। यात्री मतलब वही जजमान? हाँ, जजमान कहते हैं कि पहचान दीजिए, पहचान दीजिए। तो पहचान पर लगा हुआ है कि जो एक झंडा लगा हुआ है, ये अयोध्या में 365 घाट है, स्वर्ग द्वार से लक्ष्मण घाट से राम घाट तक का 365 घाट, अपना ये इलाका बांट लिया, अपना अपना बटा हुआ है। अच्छा। हर घाटों पर हर पुरोहित है जो ऐसे ऐसे सरयू के किनारे कितने ऐसे झंडे होंगे? 365 झंडा। हाँ, 365 झंडा। अब हर झंडा हर प्रकार का आपको लोटा मिलेगा, थाली मिलेगा, गिलास मिलेगा, मतलब लोटा छाप झंडा, हाँ, गुब्बारा झंडा, गिलास का झंडा, थाली का झंडा, बाल्टी का झंडा, हर एक बाल्टी का, हर एक चीज का झंडा आपको मिलेगा। ये थोड़ी सी यूनिक सी चीज लग रही है ये, क्योंकि बनारस के घाटों में भी ये झंडा इस तरह का ट्रेडमार्क तो वहाँ नहीं है। नहीं, वहाँ पे नहीं है, ये सरयू के तट के किनारे, सरयू के तट के किनारे ही है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि कोई श्रद्धालु आता है तो कैसे बचानेगा, मतलब आप कह रहे हैं उसको हम जैसे बैठाए, हमारा बात व्यवहार जजमान को अच्छा लगा, वो दोबारा आने का कोशिश करेगा तो ये पूछता है कि महाराज जी अपना पहचान, अपना लाइसेंस दे दीजिए। अच्छा। तो ये इसलिए अयोध्या में आज नहीं, ये हमारे बूढ़ बुजुर्गों पूर्वजों से आज से नहीं, आज से चला आ रहा है। नमामि सरयू तो पाद पंकजम सुरासुरेर बंतम दिव्य रूपेण भुक्ति चा मुक्ति चा ददास नित्यम भावानी शरणम सदानानं सरयू माता। किसी के दादा परदादा अगर यहाँ पर किसी पुरोहित से पूजा करवाए होंगे, हाँ, उसके बाद भी जैसे उन पुरोहित झंडा रहेगा तो आएंगे, तो आगे बताएंगे कि उस झंडे झंडे वाले पुरोहित के पास, हाँ, उस झंडा के पास मैं पहुँचू, आएंगे यात्री तो उस जगह पर हम मिलेंगे। तो अपना जजमान जो आते हैं अभी, कैसे कमाई वैसे चल रही है आप लोगों की? भगवान की दया से जो भी जजमान दे देते हैं श्रद्धा पूर्वक हम लोग ले लिया जाता है। मुस्कुरा रहे हैं, साइड आ रहे हैं, ये अब तो फैसला भी आ गया, अब तो भव्य राम मंदिर भी बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब श्रद्धालु और तीर्थयात्री और ज्यादा आएंगे, लेकिन आने की रुकावट है, वहाँ से पब्लिक नहीं आ पा रहा है इस समय वहाँ पुल पर। अच्छा, जो उस पुल पर हो तो फिलहाल कुछ दिन के लिए रोक है। उसके बाद पूर्णमासी, कल 20 परसों पूर्णिमा है, अगर पब्लिक नहीं आएगा तो यहाँ वाले क्या करेंगे, कमाई क्या होगा? यहाँ को नहीं, करोड़ों को श्रद्धालु पूर्णिमा के दिन आपको चैत्र अष्टमी से नवमी से अब तीन मेला पड़ता है, बड़ा परिक्रमा, छोटा परिक्रमा, नवमी का बड़ा परिक्रमा, एकादशी को पंचकोशी परिक्रमा, पूर्णिमा नहान, तीन दिन के अंदर में लोगों, हम लोगों का बाल बच्चे रोजी रोटी का खर्चा मिलता है, ये माई का कृपा है सरयू जी का यहाँ से। इसलिए या पुराने यात्री आते हैं उन लोगों से हम लोग को भगवान की दया से कि साल 6 महीने भरे खाने बने का खर्चा मिलता है। अच्छा, इस समय यही यात्री निशान देख करके, ये जो गुब्बारा देखिए, ये जो निशान है, ये इस निशान के पीछे की कहानी क्या है, ये इन्होंने बखूबी बयां किया कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो तीर्थयात्री या श्रद्धालु, वो इसी झंडे को देख करके कि हमारे पिता ने या हमारे दादा ने यहाँ पर पूजा कराया था तो हम भी यहाँ पर। और ऐसे ऐसे आपको निशान कितने आपने बताया? 365 अलग अलग, कहीं थाली, कहीं लोटा, कहीं बैल, कहीं गुब्बारा, जो एक जगह झंडा मिलेगा वो दूसरे घाट पर आपको झंडा कहीं नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ बैल लगा तो बैल वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, 364 में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, जो भी आप देखेंगे सो आपका पूरा घाट पर जो एक झंडा रहेगा वो दूसरे के घाट पर लगा नहीं सकता है कोई। अच्छा। इसमें लगा दे तो हमारे प्रशासन द्वारा, मतलब वो रिपीट नहीं होना चाहिए, हाँ, वो हमारे अध्यक्ष मंत्री संस्था द्वारा उसको निकासित कर दिया जाएगा अपने समाज से, इसलिए। अच्छा,
तो मतलब इस तरीके से आपस में आप लोगों ने तय कर लिया है कि ये इसका झंडा है, ये इसका मतलब एक तरीके से मार्क है, निशान है, ये मार्क है, ये निशान है, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। यहाँ पर सिर्फ आप रहेंगे, उसके बाद आपके परिवार वाले रहेंगे। हाँ। तो झंडा देख कर श्रद्धालु हैं। देखिए तो ये एक यूनिक चीज यहाँ पर सरयू तट के किनारे देखने को हमारा नाम बनारस के घाटों में भी आप जाइएगा तो इस तरह के वहाँ पर बोट लगे होते हैं, लेकिन शायद वहाँ पर झंडा और ऐसा नहीं निशान नहीं है, ये सिर्फ अयोध्या में सरयू तट के किनारे ही आपको ये देखने को मिलेगा। कैमरामैन वीर सिंह के साथ प्रत्युष खरे, सरयू तट, अयोध्या, न्यूज़ 24।